सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दहन लाजवाब है, बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दहन लाजवाब है, सुखन लाजवाब है, मेरे नबी का नूरी बदन लाजवाब है, मेरे नबी का नूरी। साथ में पढ़ें आप लोग, मेरे नबी का नूरी बदन लाजवाब है, के या दे शफी कि जिक्र मोहम्मद ही तो जिक्र खुदा है। कैसे लोग कहते हैं कि चीज ये खराब है, मेरा नबी तो यारो बेशक लाजवाब है। शकिला जवाब है, दहनिला जवाब है। आप हजरत जो है बैठे बैठे सवाब और कमाना चाहते हैं, माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। आप लोग जब आए कि मेरा नबी तो यारो बेशक लाजवाब है, तो जितने लोग बैठे हैं सब लोग साथ में पढ़िएगा। जब ये हम पढ़ना शुरू करें कि मेरा नबी तो यारो बेशक लाजवाब है, तो साथ में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। मेरा नबी तो यारो बेशक लाजवाब है। और ये मक्ता का शेर समाप्त करें, हम लोग कौन है, बरेलवी है ना, वही आला हजरत का नाम आने वाला है, जिनका नाम सुनने के बाद कोई भी खामोश नहीं रहता है। पेशगी कहते जोर से सुभान अल्लाह, के ऐवान बातिल में लरेजा जो तारी है, शेरे बरनी लाखो नजदी पे भारी है, किले के रजा तो उनके वास्ते अजाब है, किले के रजा तो उनके वास्ते अजाब है, मेरा रजा तो यारो किला जवाब है, हाँ मेरा रज़ा तो यारो पेश किला जवाब है, दहनिला जवाब है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, एक मशहूर जमाना एक शायर इस्लाम है नदीम रजा फैजी, जो कुछ दिन पहले आदित में आए थे, वो एक जगह प्रोग्राम में, जी जी साल होने जा रहा है जी, वो एक जलसा में गए नात पढ़ने के लिए, तो कुछ दानिश्वर हजरत बैठे हुए थे, उसमें मुखिया जी भी बैठे हुए थे, अपने मुमताज जी नहीं, उस गांव के मुखिया जी। तो जो भी शुराए किराम आते थे वो कहते थे कि मुखिया जी तवज्जो चाहें, तो मुखिया जी नहीं समझ पाते थे कि तवज्जो क्या होता है।
ठीक है, आखिर में जब उनको वक्त मिला, जो लोग जलसा करवाए थे वो बोले कि मुखिया जी दिल हौसलाई के लिए यानी हौसला अफजाई के लिए आप चंद गुफ्तगू यानी कह दें, तो मुखिया जी उठ करके बोले कि मुझे बहुत अफसोस है कि जितना भी शायर इस्लाम आए नात पढ़े और हमसे तवज्जो मांगे हम नहीं दे पाए, इंशाअल्लाह हम सरकार से बच के बात करके सबसे एक एक तवज्जो दिलवाएंगे। तो यहाँ पर ये देख करके मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को जो है कहना पड़ेगा कि तवज्जो किसे कहते हैं। आप लोग को मालूम है तवज्जो किसे कहते हैं? तो एक मरतबा तवज्जो के साथ बोल दें, एक बार और प्यार से बोल दें, माशाल्लाह। ये शेर देखें कितना प्यारा शेर, समाप्त कराएं। केवल लैल ज़ुल्फ़ है चेहरा है कि चांद सितारों से भी पूरे नूर तलवा है, कि वह लाल ज़ुल्फ़ है वह शम्स चेहरा है कि चांद सितारों से भी तलवा है। जलेबों पे कुर्बान उनके, जलेबों पे कुर्बान उनके, सुंबुलो गुलाब है मेरा नबी तो यारो बेशकला जवाब है। सब लोग मिलके पढ़े, मेरा नबी तो यारो बेशकला जवाब है, दहनला जवाब है, सुखनला जवाब है, मेरे नबी का नूरी बदनला जवाब है। अब वो शेर, अब वो शेर, अब वो शेर, जिनके नाम पे मुहर्रम में नौजवान लोग चैन से नहीं बैठते उन्हीं का नाम आने वाला, पता चल गया, हजरत इमाम हुसैन उनके शान में एक मनकबा समाप्त करें, एक शेर समाप्त करें, पेश की कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के ज़हरा के लालों ने दीन को बचाया है, गर्दन कटाया है कि सहरा के लालों ने दीन को बचाया है कि नाना की उल्फत में गर्दन कटाया है, उस वे हुसैन दीने, उस वे हुसैन दीने हक की किताब है, मेरा हुसैन यारो बेशकला जवाब है, हाँ मेरा हुसैन यारो बेशकला जवाब है, दहनला जवाब है, सुखनला जवाब है, मेरे नबी का नूरी बदनला जवाब है। हज़रत गिरामी हमारे मेहमान बैठे हैं, हम तो हमसे सुनते ही रहते हैं, आखिरी शेर समाप्त कर लें आप लोग, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो मैं पढ़ूंगा। पेशगी कह दें सुभान अल्लाह। और एक दुआई बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे एक भाई अब्दुल हफीज़ साहब जो बुआ मियाँ के नाम से मशहूर हैं माशाल्लाह, वो भी इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिए हैं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी कमाई में, उम्र में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। दहनला जवाब है, सुखनला जवाब है, मेरे बदनला जवाब है।
پردہ اٹھا دو رخ سے کیوں یہ حجاب ہے میرا نبی تو یارو بے شک لا جواب ہے ہاں میرا نبی تو یارو بے شک لا جواب ہے دہن لا جواب ہے سخن لا جواب ہے میرے نبی کا نوری بدن لا جواب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت